मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे राजीव। ओह थैंक यू। कितनी बार मुझे बर्थडे विश करोगी? रात को भी किया, मॉर्निंग में उठते भी किया, अब दोबारा से कर रही हो। वैसे एक बात है, सही मायने में तो अब हुआ ना बर्थडे मेरा कंप्लीट, जब आपने मुझे गिफ्ट दिया है। एक बार खोल के तो देखो, आपको चाहिए थे ना ये? हाँ यार, एयरपॉड्स। क्या बात है। और राजीव एक बात और, आज आपको ऑफिस नहीं जाना, ऑफिस की छुट्टी करनी है, बच्चों ने बोला आज पूरे दिन पापा के साथ टाइम बिता रहा है। हाँ बिल्कुल, आज का पूरा दिन आप सबके लिए, बस मैं एक दो मीटिंग है, छोटी मोटी है, बस जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, पक्का? एकदम प्रॉमिस यार। चलो ठीक है, गिफ्ट पसंद आया ना? बहुत बढ़िया गिफ्ट है, छोटा सा लेकिन मुझे पता बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है ये। चलो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। आज साहब का बर्थडे है, बेशक मैं साहब का ड्राइवर हूँ, लेकिन साहब को एक अच्छी सी और महंगी सी घड़ी गिफ्ट करूंगा, जो साहब को देखते एकदम में पसंद आ जाए। बड़े दिनों से उसके लिए पैसे भी तो इकट्ठे कर रहा हूँ मैं। आखिरकार मैंने साहब के लिए घड़ी ले ही ली। माना कि मैं इतनी महंगी घड़ी नहीं पहन सकता, लेकिन साहब इस घड़ी को लेकर खुश हो जाएंगे। क्या यार, सुबह से इतने फोन आ चुके हैं मेरा बर्थडे विश करने के लिए, मैं तो परेशान हो गया फोन अटेंड कर करके। तो फोन तो आएंगे विशेष के लिए, आखिर के बर्थडे किसका है? मैडम जी। अरे मनोज तुम आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। सर मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट आपके लिए। गिफ्ट मेरे लिए? और तुम लेके आए हो? हाँ जी सर, मैं ये आपके लिए लाया हूँ, अपनी सैलरी में से पैसे बचा बचा के आपके लिए एक गिफ्ट लिया है। और सर जी ये मैं मॉल से खरीद के लाया हूँ आपके लिए। मॉल से लेके आए हो मेरे लिए? ठीक है रख लेता हूँ, जाओ तुम गाड़ी साफ करो, निकलना है अभी हमें। ठीक है सर। पता नहीं क्या लेके आ गया मेरे लिए मॉल से लाया हूँ जी। मुझे नहीं पता है, ड्राइवर लोग हमेशा मालिकों को चमकाने में लगे रहते हैं। लाया होगा मेरे लिए कोई छोटा मोटा सा गिफ्ट, मॉल से लाया हूँ। यार एक बार खोल के तो देख लो, कितने दिल से लेके आया आपके लिए गिफ्ट वो। अरे यार छोड़ो ना, तुम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मुझे निकलना भी है वैसे भी। अरे वाह, ये देखो राजीव आपके लिए वॉच लेके आए हैं। अच्छी है। क्या अच्छी है, पहनता हूँ ऐसी घड़ियों में, देख रही है मैंने पहन रखी है, पूरे 5,500 की घड़ी है। क्या लेके आया, मुश्किल से होगी 1,000-1,200 की घड़ी, नहीं है रखो इसे। राजीव कई बारी देने वाले का दिल देखना चाहिए, ना कि उसके पैसे, तो प्लीज उसका मन रखने के लिए एक बारी पहन लेना। पागल तो नहीं होगी क्या, एक बारी पहन लेना, छोड़ो तुम दो मुझे। चलो यार डॉली का गिफ्ट चेक करता हूँ। ओह बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया डॉली ने मुझे, क्यूट सा है बिल्कुल। पापा आज आपके बर्थडे पे ना बहुत सारी मस्ती करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, बहुत सारी मस्ती करेंगे, ठीक है, और बहुत खाएंगे पिएंगे भी। हाँ, डांस भी करेंगे, बहुत सारी मस्ती। हाँ और बेटा, हाँ मैं आपको एक चीज देता हूँ, ये देखो बेटा ये वॉच है, आपने बेटा खेलो, जाओ इससे खेलो। पर ये तो नई वॉच है। हाँ बेटा ये नई तो है लेकिन ना बेकार है, तो आप ही खेल लो, जाओ मेरे तो किसी काम की नहीं है, ठीक है जाओ खेलो। वैसे राजीव एक बात है, आपके बर्थडे के लिए आपसे ज्यादा बच्चे ज्यादा एक्साइटेड है। तो बर्थडे तो होता ही बच्चों के लिए है। अब जी पानी। बच्चों का अलग से अरेंजमेंट करवाया नहीं करवाया आपने? हाँ। और सरिता आज आपको पता है आपके साहब जी का बर्थडे है। जन्मदिन मुबारक हो साहब जी। ठीक है ठीक है, तुम जाओ। राजीव ये क्या तरीका है, सुबह तुमने अपने मनोज ड्राइवर को भी इस तरीके से बिहेव करा उसके साथ, उसको थैंक यू भी नहीं बोला, ना उसको केक खाने के लिए बोला, वही तुमने सरिता के साथ सुलूक किया, बेचारी ने कितने मन से आपको विश किया, उसको थैंक यू तक नहीं बोला आपने। अरे यार तुम मुझे दुनियादारी मत सिखाओ यार, तुम मेरा आज का दिन खराब करना चाहती हो क्या? खराब करने वाली बात नहीं है, मैंने देखा है आप जो ये हमारे घर में जो मेड है, जो हमारे ड्राइवर है, इनको ना आप ज्यादा भाव नहीं देते हो, आप बड़ा ना मतलब इनके साथ बड़ा रूखा सूखा बिहेव करते हो। एक बात बताऊं तुम्हें, इन लोगों ने ज्यादा सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है अभी कुछ भी। राजीव मुझे सब पता है, पर इतना एटीट्यूड ना ठीक नहीं है, ये हमारी फैमिली है, ये हमारा इतना ध्यान रखते हैं, तो हमारा फर्ज भी बनता है इनकी खुशियों का ध्यान रखना। प्लीज यार मुझे ये सब बातें मत समझाओ, तुम अपना काम करो जाके। अरे ये क्या, बेबी के हाथ में घड़ी? अरे ये तो वही घड़ी है जो साहब को मैंने सुबह बर्थडे गिफ्ट करी है, लगता है बेबी गलती से ले आई है, मैं बात करता हूँ। बेबी ये आप जो घड़ी लाए हो बहुत महंगी है, आप पापा को देकर आओ। क्यों, मैं क्यों देके आऊं, पापा ने तो मेरे को बोला था कि
क्या बेबी, पापा ने कहा खराब गाड़ी है? मैंने तो इसमें अपनी पूरी बचत लगा दी है इसे लाने में, और साहब ने इसे खराब गाड़ी बता दिया। शाम की पार्टी के लिए क्या पहनो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ और ट्राई करती हूँ। टॉली आप आ गए राजीव? हाँ, तो आज बर्थडे है मेरा, और मैं तुमसे प्रॉमिस करके गया था ना कि मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। देख लो, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया जल्दी आके। ये तो है, आप अपने वायदे के पक्के हो। वैसे ये बताओ, ये हाथ में क्या है इतना बड़ा कैरी बैग? ये बड़े से कैरी बैग में छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट है आपके लिए, इसको बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट। क्या, ये तुम मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट लेके आए हो? हाँ, ये आपके लिए छोटा सा प्यारा सा रिटर्न गिफ्ट है मेरी तरफ से। वैसे बड़ा एक्सपेंसिव है ये, मैं चाहता हूँ आज शाम को पार्टी में ना आप इसको लेके जाना। राजीव, तुम्हारी भी ना मजाक करने की आदत कभी जाएगी नहीं। तुम क्या चाहते हो, मैं शाम को ये घटिया सा बैग लेके जाऊंगी? ये तो बहुत ही लो क्लास लग रहा है, ये तो कोई ब्रांड भी नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं हमेशा ब्रांडेड चीजें यूज करती हूँ। राजीव सॉरी, मुझे आपका दिल तोड़ने का वैसे मन नहीं था, वो भी आज के दिन, पर मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती हूँ, तो सॉरी प्लीज, मैं ये बैग ले नहीं सकती हूँ। टॉली एक बात बताऊँ, ये पर्स मैं आपके लिए बहुत ही मन से लेके आया था। माने ब्रांडेड नहीं है और उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना आप यूज करती हो, लेकिन डॉली आपको ना मेरी भावनाओं की कदर करनी चाहिए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने तो मेरा दिल ही तोड़ के रख दिया। आपने मेरी भावनाओं को पैसों में तोल दिया। क्या राजीव, भावनाओं को पैसों में तोल दिया? ओ कम ऑन राजीव, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं है कि इतनी छोटी छोटी सी बातों को तुम दिल पे ले लोगे। डोंट बी सीरियस, लाओ ये बैग मुझे दे दो, तुम्हारा दिल भी नहीं टूटेगा और ये बैग मैं बच्चों को दे दूंगी खेलने के लिए। ठीक है, अब खुश? क्या, ये बैग तुम बच्चों को खेलने के लिए दे दोगी? रहने दो डॉली, अब बहुत हो गया है। एटलीस्ट तुम्हें मेरा दिल तो रख लेना चाहिए था, लेकिन तुमने क्या किया, मेरे मुंह पे मुझे मना कर दिया। मेरी भावनाओं तक को नहीं समझा तुमने। एग्जैक्टली राजीव, इतनी देर से मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सामने वाले की भावनाओं को देखना चाहिए, ना कि उसके तोहफे का मोल देखना चाहिए। क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। कोई बात नहीं राजीव, मैं आपको समझाती हूँ। मैंने हमेशा आपको गरीबी अमीरी में भेदभाव करते हुए देखा है। सुबह आपको हमारी मेट सरिता ने बर्थडे विश किया, आपने ठीक से उसको रिप्लाई तक नहीं किया। और तो और, हमारा ड्राइवर जो मनोज है, बेचारे ने पाई पाई जोड़ के, वो भी मॉल से आपके लिए गिफ्ट लेके आया, आपकी फेवरेट घड़ी लेके आया। आपने उसकी घड़ी का क्या किया राजीव? ये देखो बेटा, ये वॉच है, आपने बेटा खेलो, जाओ इससे खेलो। पर ये तो नई वॉच है। हाँ बेटा, ये नई तो है लेकिन ना बेकार है, तो आप ही खेल लो, जाओ, मेरे तो किसी काम की नहीं है। ठीक है, जाओ खेलो। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो डॉली, मुझे सरिता और मनोज के साथ बिल्कुल भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मैंने हमेशा से ही अमीरी और गरीबी में फर्क किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने कभी भी सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझा। कोई बात नहीं राजीव, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। और एक बात बताऊं, मुझे आपका दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। अगर मैं ये ड्रामा नहीं करती तो शायद आपको आपकी गलती का एहसास कभी होता ही नहीं। तो थैंक यू सो मच ये प्यारे से गिफ्ट के लिए राजीव। थैंक यू सो मच डॉली, मेरी आंखें खोलने के लिए।